अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स इन दिनों अपने ग्रैंड स्लैम तैयारियों के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। उनकी मेहनत की वजह शायद यही है कि ये साबित करना चाहती हैं कि वो आज भी वही सेरेना है जिन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम की ट्रॉफी जीती है। सेरेना विलियम्स का सामना साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के पहले दौर में चेक गणराज की क्रिस्टीनिया प्लिस्कोवा से होगा। 36 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी का ये इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और इस कारण ही दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों में उत्सुकता बनी हुई है कि सेरेना विलियम्स करीब 1.5 साल बाद वापसी के बाद कैसा प्रदर्शन कर पाती हैं। सेरेना काफी समय से टेनिस कोर्ट से दूर रही हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी टेनिस रैंकिंग में भी पिछड़कर भुगतना पड़ा था। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुकी सेरेना विलियम्स अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। सेरेना चौथे फ्रेंच ओपन खिताब को जीतने के मकसद से 27 मई को टेनिस कोर्ट पर कदम रखेंगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।